इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को मतदाता बनाने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से, क्या है भाजपा की तैयारी? विधान परिषद के इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सरगर्मी बढ़ रही है। 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पहले चरण में मतदाताओं को बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सभी दावेदारों ने गतिविधि बढ़ा दी है। भाजपा ने भी शिक्षकों के बीच बैठक का क्रम शुरू कर दिया है। भाजपा शिक्षक संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक मलियत शर्मा ने शिक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि भाजपा को जीत दिलाने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक मतदाता बनाए जाएं। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसी काम में जुट रहे हैं। कहा है कि मेरठ से शिक्षक MLC श्री चंद शर्मा चित्रकूट में एक बैठक कर चुके हैं। 28 सितंबर को प्रयागराज में बैठक करने के लिए आएंगे। इस क्षेत्र में भाजपा 4 बार लगातार जीत दर्ज कर चुकी है। पिछली बार जरूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उसकी भरपाई होगी। भाजपा शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक मलय शर्मा ने कहा कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक MLC की 4 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था। इसमें से 3 में जीत दर्ज की थी। संगठन ने माध्यमिक वित्त विहीन एवं संवित कॉलेजों के साथ महाविद्यालयों और तकनीकी कॉलेजों के शिक्षकों के साथ बैठक की रणनीति बनाई है। पिछले चुनाव में बहुत से फर्जी मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कर दिया गया था, इस पर इसकी जानकारी दी गई। भाजपा शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ एवं शिक्षक प्रकोष्ठ आपस में तालमेल कर चुनाव में कार्य करेंगे। देश की विशेषता विविधता में एकता है, इसे बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयासरत हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें सहयोग दें। यहाँ विभिन्न भाषा, जाति और धर्म के लोग रहते हैं, उनमें समन्वय होना दूसरे देशों के लिए आश्चर्य की बात है, जबकि हम सबके लिए यह गौरव है। ये बातें प्रयागराज के कोराव के विधायक राजमणि कोल ने कही। वो नारीवाड़ी में आयोजित विविधता में एकता कार्यक्रम के दौरान विचार रख रहे थे। भाजपा इन दिनों सेवा पखवाड़ा मना रही है, इसी क्रम में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष यमुनापार विभव नाथ भारती ने की। उन्होंने कहा कि विभिन्न जाति, बोली, धर्म होने पर भी हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। कार्यक्रम में आए लोगों के प्रति जिला उपाध्यक्ष राजेश्वरी तिवारी ने आभार जताया। इस मौके पर अश्विनी सिंह पटेल, अशोक पांडे, दिलीप कुमार चतुर्वेदी, सुभाष सिंह पटेल आदि मौजूद रहे।